પેલા તો અનિશિતભાઈ કહું રાજેશ રાજેશ કરીને એટલું અંડરલાઈન કરાવી દીધું છે કોણ. નમસ્તે, હું છું રાજેશ કવા, એક વોઇસ એક્ટર. જીતને કેરેક્ટર્સ કે નામ લીએ ઓર ભી બહોત સારે કિલો કે હિસાબ સે ઢેર સારે કેરેક્ટર. અભી 22 સાલ હૈ તો કિયે હી હોંગે તો કિતને સારે કેરેક્ટર્સ મેં મેરી આવાઝ હૈ, ઠીક હૈ. લેકિન અભી આતે હૈ હમ ટેડેક્સ કે સ્ટોક કે થીમ પે. આપ સબ ભૂલ ગયા હોંગે હા, તો કહાની શરૂ હોઈ થી ભૂલ ગયે, લેકિન મેં વાપસ આ ગાર્ડિયન નોટ फिल्मी है ना. पहले मुझे ये बताओ कि ये ढूंढता कौन है. वो लोग कहते हैं कि आप लोग लाते हैं, आप कसम कितना भारी एकदम फिल्मी है ऑडियंस नाउ रिजॉल्विंग द अनसॉल्वड है ना. मैं बताता हूं मेरी समझ के हिसाब से. पहले तो एक कहानी बताता हूं, किसी का नाम नहीं बता. एक जनाब राजा एवी गांठ मारी बल भला आव्या उकेली न शक्या. બીજા જનાબ રાજા એ પણ ન ઉકેલી શક્યા, તો એમણે તલવાર કે ખાચ્યા. એ ઉનકા તરીકા થા, ઉનહોને વો નોટ ખોલ સો યા ખોલ દી અલી ઓર નામ. લેકિન અભી હમારે લિયે યહાં પે પ્રશ્ન રખ દિયા ટેટ કે ગોર્ડિયન નોટ. કે આજ કે જમાને કે હિસાબ સે કલયુગ કે હિસાબ સે એ તરીકા સહી હૈ? ઉદાહરણ આપું તમને કળિયુગના હિસાબે ગોર્ડિયન નોટ. ત્યાં ગમે પગલે આવે ગોર્ડિયન નોટ આપણે કિલોના હિસાબે. શાદીશુદા મત કી વાત કરતા હું, અગર જો ભી હૈ રિલેટ કરે. શાદીશુદા મત ઇસ તરફ હૈ માં, ઇસ તરફ હૈ ધર્મ પત્ની. માં જેને આપકો જન્મ દિયા, ઇસ તરફ ધર્મ પત્ની જિસકે સાથ આપકો જીવન બિતાના. अरे वो तो होते रहते हैं, तू तू मैं अनबन छोटी मोटी चीजें होती ही रहेंगी है ना. अगर वो सिचुएशन कहीं गर्म हो जाए या कुछ धाम एटम बॉम्ब फूटे, इसका मतलब ये तो नहीं कि तलवार लेके खाचा रखना है मम्मी को भी धर्म पत्नी को भी. तो आपको बहुत समझदार बनना पड़ेगा. तो ये चीज ही वो है कलयुग के हिसाब से गॉर्डियन नॉट को आपको सुलझाना है. समझिए कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग सोचना है. कुछ सिचुएशन आने पे जैसे ऐसे कोई हालात है तो ऐसे कैसे सॉल्व करना है. पत्नी को बाटली में उतारना है, मतलब मेरे शब्दों से मतलब समझाना है, ठीक है, और मम्मी को समझाना है. तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत संभाल के बैलेंस करना. एक और फिल्मी उदाहरण गॉर्डियन नॉट का कलयुग वाला आपके सामने पेश है. टिंग टी डिंग टी डिंग डिंग. एक तरफ है वो लड़की जिसको आप प्यार करते हैं, दूसरी तरफ है वो आपकी बचपन की दोस्त जो आपको प्यार करती है. ठीक है, कहां जाएंगे क्या करेंगे. हालांकि फिल्म में वो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने जब सोचा गॉर्डियन नॉट के बारे में तो वाकई वही चीज है. तो क्या आप जिसको प्यार करते हैं उसको छोड़ दें? अच्छा ना, आप बचपन की दोस्त अच्छा ना, आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा. आई एम सॉरी मैं मुंबई से हूँ, मुंबईया शब्द आएंगे बीच बीच में, जुगाड़ बोले तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो गॉर्डियन नॉट मतलब है ही बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में आपको बताऊं तो वो है एक जंजीर जिसने आपको जकड़ रखा है. उसमें से निकलने के तरीके, उसमें से निकलने के रास्ते, उसमें से निकलने के जुगाड़, यानी कि निंजा टेक्निक. ठीक है, अब फ्लैशबैक जाते हैं. मैं मेरे हिसाब से अगर जैसे बताया कि जुगाड़ लगाना होगा, कुछ सोचना होगा, तो फ्लैशबैक जाते हैं जब मैं छोटा बच्चा था. स्कूल की बात करूं, मैं एक्टर बनना चाहता, डायरेक्टर साहब मैं एक्टर बनना तो एक्टर बनना चाहता था. हालांकि बचपन में अरे वाह कहीं तो हूं मैं, ठीक है, ऊपर से कहीं तो हूं. तो मैं स्कूल में, लेकिन वहां कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, बहुत सिंपल से स्कूल में था मैं. इसके बाद भी वगैरह एक दो स्कूल के होंगे
तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक है। तो देखो कितना प्यारा छोटा, ठीक है, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। उसके बाद जब, लेकिन हाँ मैं क्या करता था, मैं स्कूल के दोस्तों को पकड़ लेता था, किसी को अजय नाना पाटेकर सुनो, अजय ठाकुर है, संजीव कुमार, ये आले आले खादी के चल पुतले, वैसे शुरू हो जाता था। वो बचपन के कीड़े जो होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है, कलाकार। उसके बाद 10th के बाद कॉलेज में थी मुंबई, और कॉलेज में गया और पढ़ने में नॉर्मल सा था, तो कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज में पहले यहाँ वहां झाड़ी मार रहे हैं, देख रहे हैं काम की चीज क्या, तो दिखा नोटिस बोर्ड पर ₹20 एंट्री फीस, ड्रामा क्लब। ये सारे वो फोटोज हैं जब मैं इंटर कॉलेज कंपटीशन में ड्रामा को फूड कंपटीशन, है ना, चित्रलेखा, अलग अलग प्रकार के कंपटीशन में ड्रामा में हिस्सा लिया था, ठीक है। वो सब कुछ हुआ, कर रहा था। फिर क्या हुआ कि 12th का वेकेशन आया, वेकेशन में ड्रामा ये सब बंद हो जाता क्योंकि कॉलेज छुट्टी है। तो मैंने जॉब कर ली, गुजराती छोकर रखा तो वैसे नहीं लाइफ में, एक नौकरी कर ली मैंने, ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान में सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक ₹1200 महीने, 1997 की बात है, ठीक है। लेकिन मैं कर रहा था शौक से, मस्त टिफिन लेता तो सब ऊपर एकांत दो फोटो खा तो। उसके बाद यहां बात आती है, मैंने कहा कि कॉर्डियन नॉट जैसी चीजों को सुलझाने के लिए लेट्स कनेक्ट, आपको जुड़ना होगा, जुड़ेंगे तो उड़ेंगे, ठीक। कैसे मैं बता रहा हूं, मैं जॉब कर रहा था तो मेरे मित्र जो अभी गुजराती इंडस्ट्री से हैं, हरि कृष्ण दवे, काफी अच्छे राइटर डायरेक्टर गुजराती में, तब वो स्ट्रगलर थे और मैं तो कुछ ही नहीं था। तो उन्होंने बुलाया मुझे, राजू एक नाटक छे वहां बैक स्टेज करवाऊंगा, अभी यहाँ पता नहीं क्या है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग। मैं जुड़ गया, ठीक, जुड़ गया, गया कुछ नहीं आता था, गालियां पड़ी, जूते पड़े, लेकिन उन गालियों का अलग मीनिंग निकाला मैंने और लाइफ में कुछ करने की सोची। 1997 गुजराती ड्रामा बैक स्टेज, छोटे छोटे कैरेक्टर, गुजराती सीरियल्स, छोटे छोटे कैरेक्टर्स करने लगा, आने लगा, हाँ यार एक्टर बनूंगा, कुछ होगा लाइफ में। 97, 98, 99 लाइफ किसी भी अगर सिंपल हो तो वो तो क्या सिंपल लाइफ है, खट्टे तो आने चाहिए, ऐसी भयंकर बाढ़ आनी चाहिए, नदी कुछ तो आना चाहिए। 1999 में पेट में, अतड़ी में अल्सर हो गया, एसिडिटी की वजह से अल्सर फट गया, एसिड बॉडी में फैल गया, 5 घंटे की सर्जरी और 21 दिन अस्पताल। ऐसे भी आपने देखा फोटो में, ऐसे भी था कितना, 100-150 ग्राम का था, ऑपरेशन के बाद 50 ग्राम का हो गया, हालांकि अभी 200 ग्राम, ज्यादा 200 ग्राम, लेकिन फिर भी कुछ। जब मैंने री स्टार्ट किया धीरे 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 कर रहा, मेरे बड़े भाई मुकेश कावा, उनके जरिए मुझे एक डबिंग ऑडिशन के लिए भेजा गया। तो मैं छोटे छोटे रोल कर रहा था, डबिंग ऐसे बेमन गया, फर्स्ट टाइम ऑडिशन, ऑडिशन किया, खचा, रिजेक्ट, फेल, पहले हार्ड हुआ, अरे माँ कसम कुछ है ही नहीं, अलग है, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर तो धीरे धीरे उस चीज के बारे में जानने की कोशिश, तभी मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ। फिर एक चीज अच्छी थी, गुजराती छू मातृभाषा सारी है, तो गुजराती में डबिंग करना शुरू किया, गुजराती में छोटे छोटे किरदार करने लगा। उसके बाद हिंदी में काम नहीं मिल रहा है भाई लोग, क्यों, क्योंकि आपकी मातृभाषा में डायरेक्ट मातृभाषा नो रंग हो अच्छे, तमें इंग्लिश बोलो कि गुजरात हिंदी बोलो है, तो एक्सेंट आ रहा है सर हिंदी में, आपको मजा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने क्या किया, अगेन लेट्स कनेक्ट, मैंने कुछ ऐसे वॉइस एक्टर्स के साथ कनेक्ट किया, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ जिनकी हिंदी बहुत अच्छी, और हिंदी काम सबसे ज्यादा है, अगर इंडस्ट्री में 100% काम है तो 100% 70% काम हिंदी है, बाकी रीजनल और इंग्लिश। तो मैंने अपनी हिंदी को सुधार, कोशिश की, ये भी तो गॉर्डियन नॉट है, गॉर्डियन नॉट के बच्चे गली गली में फैले, तो ये भी उनका एक बच्चा है, समझ, तो उसको भी मैंने सुझाने की कोशिश की, सीखा धीरे धीरे। फिर 2002 है भाई, अनाबची
2002 में ये शो बेबरे जो सुपर डुपर हिट शो था उस टब का और आज भी काफी काफी सीजन आ चुके हैं, 2002 में मुझे पहला हिंदी बड़ा शो मिला वो सफेद में है, वो रे सेकंड हीरो उस शो का, और ये है उसी शो में विलन, एक ही शो में दो है बेबरे तो रे टाइसन मैं संभाल लूंगा तुम चिंता मत करो हो जाए शुरू। वो होता है ना वो भावरा गोल घुमा दे लाइट वाला जब पता तभी तो हमको भी पता और ये क्यों है तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि सारी ताकत मेरे हाथ में है ठीक है, करता गया सीखता गया लोगों से सीखता गया जुड़ता गया कनेक्ट हुआ लोगों से और चमत्कार हुआ सीधा 2008 ये बताता हूं मैं आप लोगों को और इंटरेस्टिंग चीज है। हैरी पॉटर 2001 से चल रहा था, पहली फिल्म में किसी लड़की ने हैरी पॉटर को डब किया था, उसके बाद कुछ फिल्मों में किसी और वॉइस एक्टर ने डब किया था, उनका नाम लड़की अमित त्रिवेदी, करण त्रिवेदी, कुछ फिल्मों, फिर आखिरी तीन फिल्मों में मैं आया, ऑडिशन के लिए बुलाया गया, मैं हैरी पॉटर फैन बिल्कुल नहीं था, मुझे बुलाया गया और मैंने एक भी फिल्म देखी नहीं थी हैरी पॉटर की, तो मैं जैसे गया ऑडिशन के लिए, जैसे कलाकार जाता है शिद्दत से ऑडिशन दे के चला आता है, तीन अलग अलग टाइप के सीन्स थे वेरिएशन में, एक थोड़ा हटके दूसरा हटके तीसरा, क्योंकि वॉर्नर ब्रदर की फिल्म है, चलती गाड़ी में चढ़ना मतलब सुपर हिट ब्रांड है उसको जुड़ना उसमें जुड़ना बहुत जिम्मेदारी, कंधों को मजबूत बनाना पड़ता है। ऑडिशन किया बहुत ईमानदारी से, हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे मैसेज आया, तब मैसेज का जमाना था, एसएमएस आया 2007 की बात कर रहा हूँ, राजू कंग्रेचुलेशंस यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। मैं कहीं पैदल जा रहा था स्टूडियो में और मैंने वहीं बैठ गया रोड में, हालांकि हैरी पॉटर फैन नहीं था लेकिन लगा ओ पाकसम ये कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा है। फिर यहां पे वापस बात आती है लेट्स कनेक्ट की, गार्डियन नॉट मेरे लिए तो यार हैरी पॉटर फैन नहीं हूं, इतना बड़ा फ्रेंड डब करना है आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन में, और मैंने सारी फिल्में जो पहले थी वो देखी, सारे कैरेक्टर के साथ क्या रिश्ते नाते, कैसे हैरी बोलता है बाकी कैरेक्टर्स के साथ, वो सब कुछ समझा समझने की कोशिश की और फिर मैंने डब किया। फिर उसके बाद तो तीनों फिल्म 2012 तक मैंने की, उसके बाद जब उमंग की ये भी 2008 में ये शो बन रहा था, सारे कैरेक्टर इंसान, ढोलू भोलू चुटकी टीम सब इंसान और मां सब एक बंदर और ये भी बोलने वाला बंदर, मैंने बोला इसको कुछ खास बनाना पड़ेगा, ऑडिशन तो मेरा अप्रूव हो गया, मेरी आवाज कुछ विचित्र ही निकाली, आज भी मैं ही कर रहा हूँ, इतने सालों से जैसे लोग कुंडली में कुछ अपने लिए अच्छा लिखा गया है, मैं किडनी में लिखा गया हूँ जब वो अंदर तो ही रहेगा, अगर मेरी आवाज कभी खराब होती है तो क्लाइंट है 15 दिन महीने भर रुक जाते हैं क्योंकि ये आवाज कोई निकाल दे। सीन ये हो गया कि मैंने जब शुरू कर रहे थे फर्स्ट सीजन शुरुआत ये भी शो, मैंने कहा कि जब्बू तो ऐसी ही जब्बू लाइन बोलेगा उसमें मजा नहीं, एक चीज को मैं मानता हूँ हमेशा लाइन के आगे पीछे कुछ करो वही मैजिक है वही लोगों से कनेक्ट करता है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि नो लैंग्वेज इज मोर देन लैंग्वेज वाली बात की जाए, तो मैंने इसमें डायलॉग्स को बोलता था लेकिन वो चीज कनेक्ट हो गई बच्चों से, आज अंकल अंकल वो जकन जकन करो ना वो जकन जकन क्या है कुछ पता नहीं लेकिन वो मैजिक है लोगों की, तो ये जग्गू बंदर। और उसके बाद फिर आते हैं गार्डियन चाचा के पास, आएगा गार्डियन सर के पास आते हैं, देखिए मेरी मैं वॉइस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी इंडस्ट्री के नजरिए से अगर मैं देखूँ जैसे मैंने कहा संजीरों में जकड़ा हुआ एक कोई तो एक जो इश्यू उससे निकलने के तरीके गॉडियन था ठीक है, लेकिन हाँ
वॉइस इंडस्ट्री के हिसाब से आपको हम तो लोकलाइजेशन जो डबिंग होती है प्रकार प्रकार की भाषाओं को हम समझ पाते हैं घर बैठे, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो जैसे मेरे दोस्त ने अपनी मम्मी के मोबाइल में नेटफ्लिक्स और अमेजोन दे दिया, मम्मी आ गई जो ज्यादा टाइम हमारे मम्मी ने देखना शुरू किया। एक महीने मम्मी को लत लग गई नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम की। मम्मी कुमकुम भाग्य से सीधी स्क्विड गेम पर आ गई। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, है ना? तो क्योंकि उनको समझ में आने लगा कि आजकल की जो पीढ़ी कर रही है तो पहले वो सोचते कि वो गलत है, लेकिन नहीं, वो नजरिया उनका माइंडसेट बदल गया कि नहीं, हाँ आजकल के हिसाब से जैसे हमारे टाइम जो गलत था और हमारे टाइम जो सही था आज शायद वो गलत होता है। जैसे वक्त बदलता है इंसान के, तो ऐसे चीजें होती है। अभी मैं आया हूँ तो आप लोग कुछ आवाजें तो सुनना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद दोपेंदर फ्रॉम डेडपूल, बहुत सारे किरदार मैंने किए उसमें से लोकप्रिय दोपेंदर। बोल भाई, बोल भाई नौकरी हो तो आप कैसे हो? बोल भाई क्या है कि ऐसे मैं रोज गाड़ी चला चला के क्या कमर टूट जाती है? बोल भाई ऐसे नौकरी कुछ अच्छा दिला और ऐसे मस्त लंबे लंबे जूते पहन दो। बोल भाई मेरी गर्लफ्रेंड थी दीपा नाम की, मेरे को छोड़ के चली गई मेरे कजिन के साथ। देखो ऐसे हमारी जोड़ी बन गई तो कहला कि रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोल भाई कुछ करो ना भाई। इसके बाद अगेन हैरी पॉटर। मेरा इंटरेस्टिंग चीज मैं हैरी पॉटर के बारे में बताता हूँ। एक तो ये ब्रिटिश वहां शूट करते हैं, भयंकर ठंड, अरे इतनी ठंड में हमारे मुंबई और गुजरात आती है हालत खराब हो जाती है। वहां वो लोग गायब हो जाते हैं पिक्चरों में, कहीं पानी में से गिरते हैं, पानी से निकलते हैं गायब होके छू अंदर। तो हैरी पॉटर जो डैनियल रेडक्लिफ है वो आप गौर से देखिएगा, अंग्रेजी भी देखिए तो भी चलेगा, उसमें वो सांसें बहुत लेते हैं, पता नहीं हुआ है। अगर तीन पानी में से निकले रॉन वीजली हरमाइनी हैरी पॉटर, तो ये जो हैरी पॉटर है वही सबसे ज्यादा सांसें ले रहे, तो मुझे भी लेनी पड़ती थी क्योंकि मैं डब कर रहा। तो जैसे पानी में से निकले हरमाइनी रॉन वो हमारा पीछा कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, ठीक है चल आता हूँ। तो मैं भी सांसें लेता था और सांसें लेते लेते मैं भी हैरी पॉटर से जुड़ गया अच्छे से। और उसके बाद पिछले 2.5 साल से एक शो है सोनी, ये YAY नाम के एनिमेटेड एनिमेशन चैनल है, उस पर आता है तारक मेहता का छोटा चश्मा। मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इतना अद्भुत शो सालों से चल रहा है, उसमें मैंने ऑडिशन दिया था और मेरा क्लियर हुआ था। बाबूजी होता है क्या है कि वो मैं सीढ़ी से गिरा नहीं होता, मैं वो उतरा हूँ, मैं इतना मेरे उतरने की स्टाइल है बाबूजी क्या। अरे बबीता जी और साउथ की फिल्मों में जितने आप देखते हैं धमाल एक्शन कॉमेडी ये सारे चेहरे देख रहे हैं, इन सब को मैं टक्कर देता हूँ ढेर सारी साउथ की फिल्मों में, तो ये भी अद्भुत है। और उसके बाद मैं कभी कभी ना बहुत ही थोड़ी हल्की फुल्की बिग बॉक्सिंग भी कर लेता हूँ, 100 ग्राम 200 ग्राम। तो भारत का पहला ओरिजिनल एनिमेशन कैरेक्टर बिग बॉक्सिंग के साथ, ये पहला जो मैं हिंदी में डब करता था, मास्टर लैंग्वेज हिंदी, मतलब बाकी सारी लैंग्वेज होती है बाद में डब होती है, तमिल तेलुगु है ना, तो वो लोग गाली देते होंगे मुझे वहाँ डब करते हो क्या यार डायलॉग बोलते गया होगा, तो ठीक है बिग बॉक्सिंग कर गया हम लोग थोड़ी कर पाएंगे, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन ठीक मैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ ही देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये गुरु और भोले को मैं सबक सिखाऊं क्या, बेसुरा गाऊंगा उसके कान फाड़ दूं क्या। अगेन ये भीम, तो ये भीम का छोटा भीम का बंदा तो आज भी मैं कर ही रहा हूँ और जी रहा हूँ। और
ड्रैगन बॉल सी आप में से कई लोगों थैंक यू कई लोगों ने ये सीरीज देखी होगी, काफी सेलिब्रिटी के बच्चे भी फैन हैं, काफी अगर इंटरव्यूज देखे हैं तो अभी टाइगर श्रॉफ ने भी कहा था काफी लोग इस सीरीज के फैन, उसमें मैं विलन प्ले कर रहा था ब्रॉली ताकत शक्ति पावर है मुझ में थैंक यू सो मच और इतना प्यार दिखाने के लिए इसलिए मुझ में ये ताकत आ रही और ये निंजा अथॉरिटी का वो जासूस जिससे बॉन्ड 7 भी सलाह लेते हैं 007 इसके बाद मैं चला जाऊंगा क्योंकि वरना ऑडियंस आप खुद आ जाएंगे मुझे पता है तो चॉकलेट दूध मिलेगा वो क्या है कि मैं सादा दूध पीता हूँ ना तो पेट में गुरु होता है तो चॉकलेट दूध मिल जाए तो अरे माँ अरे पैसे वो बच्ची को गिफ्ट देना थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए वक्त से कीमती और कुछ नहीं होता जीवन में थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच टेडेक्स प्रणाम अगर फुल टीम फुल पावर से आगे बढ़ रहा है आज भी सबसे आगे बढ़ रहा है सबसे आगे बढ़ रहा है कि मैं आपको मैं ताजा बजाऊंगा जब तक आपके हाथ में आपको जाए थैंक यू सो मच